एक फोन पे रिक्वेस्ट करके आ गए बड़े भैया धूप में आदरणीय रमाशंकर तिवारी जी भैया, हमारे माई सिटी फेज 3 में भैया का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है, साथ में है। और मेरे सहयोगी छोटे भाई जो अलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर अलायंस रियलिटीज में साथ में है, मोतीलाल पटले जी, और यहां उपस्थित आदरणीय आर्टिस्ट सुभाष पटले जी, हमारी जयश्री सिंघी मैडम भाभी जी, मेरे कंपनी के सारे डायरेक्टर सेल्स, यहां उपस्थित आदरणीय सरस शेलोकर जी, डीएस पाटनकर जी, नंदनवार जी, प्रदीप नड़े जी, श्रीपद दखने जी, अनिल भंडोरी जी, श्रीराम मुड़े जी, दीपक भावसार जी, मुन्ना पटले जी, आस्तिक कटरे जी, अश्विन बांते जी, संतोष श्रीवास्तव जी, सचिन सालवे जी, श्री कृष्णा तलेगावकर जी, किशन सोनेकर जी, सूर्यकांत राजे जी, और कौन कौन जो जो चेहरे दिखाई दे रहे, शिव पारदी जी, शरद सेलोकर जी, राम बाड़बोदे जी, आप दखने जी, है ना, आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आपने सबने कंधे से कंधा मिला करके कंपनी के साथ में और रात्र परिश्रम किया है, और इसी का नतीजा है कि जब 2018 के आखिरी में, मतलब 2019 की शुरुआत में, जब माई सिटी फेज 1 की जमीन का हमने व्यवहार किया था, तो हमें इतनी हार्ड कंडीशन में ये जमीन मिली थी कि उस समय लगभग 1,35,00,000 रुपए एकड़ की जमीन थी, और उस समय हमको 3 महीने के अंदर में पूरा पैसा देना था जमीन मालक को। जब तक पूरा पैसा उनके अकाउंट में नहीं गया तब तक वो व्यक्ति घर से रजिस्ट्री लगाने के लिए नहीं निकले थे। तो इतने हार्ड कंडीशन में उस वक्त जब हमने प्रोजेक्ट की शुरुआत करी, तभी हमको लगता था कि हम यहाँ पर एक बड़ा एक्सपेंशन कर सकते हैं। जो कनेक्टेड जमीनें हैं ये काफी यहाँ अवेलेबल है। उस वक्त देखा हमने 2019 की जनवरी की शुरुआत में, इस आउटर रिंग रोड के आजू बाजू में कोई भी ऐसे बड़े ब्रांड नहीं आए हुए थे। यहाँ तक कि यहाँ से जो अभी 200-300 मीटर पे आपको जो लेआउट्स और कॉलोनियां दिख रही है, ये तक भी नहीं थी। उस वक्त ये रिंग रोड पे पूरा वीरान छाया हुआ था, और हमने हिम्मत करी कि ये लोकेशन एकदम आइडियल है। गोमुखी जमीन हमको मिली थी, मतलब हमारा मुख देखिए, माई सिटी का आप अगर ब्रोशर देखेंगे ऑफिशियली, तो इसमें शुरुआत अगर आप देखेंगे तो ये जो फेज 1, 2, 3, 4 की शुरुआत जो है ये छोटी है, मतलब इसका इंट्रेंस छोटा है ना, और बड़ा फिर पीछे से बड़ा होते गया है। तो वास्तु के हिसाब से कोई भी वास्तु तज्ञ अगर यहाँ पर होगा, वास्तुविद अगर होगा, तो वास्तु के हिसाब से ये कहा जाता है कि जो गोमुखी प्लॉट होता है या गोमुखी लैंड होती है वो बहुत जबरदस्त फलती फूलती है करके। और इसका मेरा जो अनुभव है खुद का, मैं ये बताता हूँ कि जब मैं ये प्रोजेक्ट का पहले 3 फेज हमारे फाइनल हुए थे शुरुआत में, फेज 1, 2 और 3, और जब वो फेज का मैप हमने बनाया, ब्रोशर बनाया, और अपने अपने करीबी लोगों को हमने व्हाट्सएप, फेसबुक और मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करना शुरू किया, तो मुझे एक जो कमेंट आया, मुझे एक जो एक बड़े बिल्डर है उनका जब अनुभव आया सामने, तब उन्होंने मुझे इमीडिएट बोला, भैया बहुत बहुत बधाई हो, आपकी जमीन बहुत खूबसूरत है और बहुत ही वास्तु के हिसाब से परफेक्ट लोकेशन है। और वो व्यक्ति इस जमीन को कभी देखे नहीं, कभी इस एरिया में आए नहीं, वो बैठे हैं मुंबई में अंधेरी में। वहां के बिल्डर जोशी जी है, मेरे बहुत अच्छे करीबी संबंधित है, अंधेरी में उनकी बड़ी बड़ी स्कीमें चलती है, 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ का एक एक फ्लैट वो बेचते हैं। तो उनको जब मैं मैप शेयर किया था तो उन्होंने वही कहा कि मोतीलाल जी ये जमीन आपको बहुत लाभ देगी, आपके कस्टमर को बहुत लाभ देगी, वास्तु के हिसाब से एकदम सही जमीन है। तो दोस्तों वहां से मेरा कॉन्फिडेंस और बिल्ड हो गया कि यार सही में अपन ने सही लैंड में इन्वेस्टमेंट किया, इस जमीन को आगे एक्सपेंशन करने में अगर रिस्क लेनी भी पड़ी तो कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों धीरे 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 जैसे फिर हमने फेज 1 कंप्लीट किया, 2 कंप्लीट किया, 3 फेज में कोविड का लॉकडाउन लग गया था, तो फंड और बाकी जो कमिटमेंट्स थे लैंडलॉर्ड के वो पूरे करने में थोड़ी सी असमर्थता हो रही थी, हमारे क्लाइंट्स के जो पेमेंट्स थे वो आने में लेट हो रहा था, सब जहां के वहां रह गया था, जिंदगी सबकी रुक गई थी। हमने वो बुरा अनुभव सबने देखा है, सबने अनुभव किया है, और उस बुरे अनुभव में दोस्तों हमारे भगवान तुल्य, हमारे एक बड़े भ्राता के स्वरूप में
हमारे बिग ब्रदर आदरणीय रमाकांत तिवारी जी भैया मिले हमें हमारे छोटे भाई साहब के माध्यम से, उनसे मुलाकात हुई और उनको जब हमने ये सारे प्रोजेक्ट दिखाए तो दोस्तों उन्होंने भी प्रोजेक्ट देखने के बाद में जब जमीन देखी तो सही में उनको एक पॉजिटिव वेव आई कि नहीं यहाँ पर अपना पैसा मल्टीप्लाई हो सकता है और इस जगह पर अपन पैसा लगा सकते हैं। और दोस्तों भैया का आशीर्वाद हुआ और फेज 3 भी हमारा चल पड़ा और समय पे हमने लैंडलॉर्ड के पैसे दे दिए। सैंक्शन से लेकर के डेवलपमेंट आज आप सब लोगों के सामने दिख रहा है। फिर धीरे धीरे स्थितियां सामान्य होते गई, उसके बाद में दोस्तों हम चलते चलते कारवा आगे बढ़ते गया, आप सब लोगों का भरोसा बनते गया और जो 1290 रुपए में हमने स्टार्टिंग के पहले फेज दूसरे फेज में कुछ हमारे ग्राहकों को प्लॉट उपलब्ध कराया था, देखते देखते उन्होंने अपना अनुभव ये देखा कि आज माय सिटी में दोस्तों 1890 रुपए तक प्लॉट रीसेल कर रहे कुछ लोग फेज 1 और 2 में। तो दोस्तों उन्हीं क्लाइंट्स लोगों का विश्वास बढ़ते गया और हमारी हिम्मत बढ़ते गई और धीरे धीरे फेज 4, फेज 5, फेज 6, आज जो हम लॉन्चिंग कर रहे फेज 7 पहले ही बेच चुके और फेज 8 का आज का लॉन्चिंग है। तो आज हमारे पास में एक पहला फेज लेने के लिए 3 महीने की हार्ड कंडीशन में हम सोच रहे थे कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप जैसे साथियों का कंधे से कंधा मिला करके जो साथ देना था दोस्तों सही में आपने दिल से कंपनी का साथ दिया, आपने कड़ी मेहनत की, आप जैसे ग्राहकों ने विश्वास जताया और दोस्तों ऊपर वाले का आशीर्वाद हमेशा मिला और उसी का नतीजा है कि आज हम 6वां फेज और 8वां फेज आपके सामने लेकर आए हैं। मित्रों इस माय सिटी प्रोजेक्ट का सही में उज्ज्वल भविष्य है। आप सोचिए।